अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लाहौरी बेसन वाली फ़िश बना रहे हैं। तो अम्मी जान बाहर चली गई, मुझे कह रही है आप इंटरव्यू बनाने। तो आप लोग से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अम्मी जान आप लोगों का पता है इस चैनल में वीडियो बनाती है, जो भी आप लोग रेसिपी शेयर करती हैं अम्मी जान ही बनाती हैं। तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और अच्छा सा कमेंट भी करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जी दोस्तों, ये है हमारी फ़िश। 1 किलो फ़िश ली है हमने और साथ में ये मसाले हैं। ये एक छन्नी हमने बेसन की ली है, ठीक है। ये 1 चम्मच हमने लिया है लाल मिर्च, 1 चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और ये हमने फ़िश का मसाला लिया है, जो उनसे मर्जी ब्रांड का ले लें आप लोग। और साथ में ये सूखा धनिया और साथ में थोड़ा सा ज़ीरा है, आपको शायद नज़र आ रहा हो कि नहीं। और साथ में 1/2 चम्मच हमने नमक लिया है। तो ये हम ऊपर निचोड़ रहे हैं 1 लीमू। इधर नहीं निचोड़ना, चले अच्छे तरीके से निचोड़ लें। अब इसके बाद हम करेंगे मसाला तैयार। तो ये साइड पर ये बेसन डाला है, अब इसमें सारे मसाले डाल दें। चलो एक कप नहीं, 1/2 कप हसबे ज़रूरत आप लोग पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखें बेसन हमने ये तैयार कर लिया है। तो अब कढ़ाई में हम कुकिंग ऑयल, कढ़ाई में डाल रहे हैं हम कुकिंग ऑयल। तो ये अब डालेंगे फिश बेसन में, अच्छी तरह बेसन लगाएंगे। तो हल्की आंच पर हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे ताकि फिश अंदर से भी पक जाए। तो एक छोटा सा पीस हम और डाल देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी फिश तैयार रेडी हो जाए। तो अब हम साइड चेंज करने लगे हैं। चले अब दोबारा से साइड चेंज करने लगे हैं ताकि अच्छे तरीके से दोनों साइडों से पक जाए। हल्की आँच पर आप लोगों ने पकाना, फिर अच्छी तरह से पक जाएगी अंदर से भी। खुशबू माशाल्लाह काफ़ी प्यारी आ रही है। चल दूसरी पलट तो ये देखें, अब ये पक चुकी है, गोल्डन कलर की हो गई, गोल्डन कलर की हो चुकी है। तो अब हम इसे उतारेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह, थोड़ा करीब करके दिखाएं कैमरा के साथ। ये देखें माशाल्लाह, इसी तरह हम सारी तैयार कर लेते हैं। हल्की आंच करके आप लोगों ने पीस डालने ताकि हल्की आंच
आप लोग यहाँ तो बस छींटे ना पड़े। ये डाल दिया हमने दूसरा पीस, तीसरा बल्कि पीस, दो तो पक चुके हैं। ये जाएगी चौथा पीस, चले अब दोबारा से साइड चेंज करते हैं। ये देखो अभी बेसन नहीं पका अच्छी तरह से, फिश कहाँ से पकी होगी इसलिए अच्छे तरीके से पकाएं। तो ये देखें अच्छी तरह से गल चुकी है फिश, बिल्कुल रेडी। ये देखें ये निकाल ली गई है बाहर, माशाल्लाह ये फिश रेडी है। अब आप लोग को इसका मैं टेस्ट चेक करवाता हूँ कैसा होगा। दनान भाई चेक करेंगे आप कैसे बने, बताएं दनान भाई। खाओ खाओ हमने बनाए। बिस्मिल्लाह दोबारा यार आने ना बोल बोल बस। माशाल्लाह अंदर से देखें अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मज़ेदार बनी है यार, टेस्टी सिंपल भी और काफ़ी टेस्टी भी। अब सामान बताएगा आपको कैसी बनी। जी सामान भाई, भाई बहुत मज़ेदार बनी माशाल्लाह। अम्मी की याद की है तो टेस्टी तो बननी थी दोस्तों। तो आप लोग से गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को भी लाइक करें, अच्छा सा कमेंट किया करें दोस्तों ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के अल्लाह हाफिज़।